ये 2019 का जो लोकसभा चुनाव है इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये देश की नई सरकार बनाने का चुनाव है और ये गठबंधन और जनता चाहती है कि देश को नया प्रधानमंत्री मिले। जो पुरानी सरकार है उसने जनता को निराश किया है, जो वादे किए थे वो सब के सब अधूरे हैं, कोई पूरा नहीं हुआ। आज वो लोग अपने पुराने 2014 में जो जनता को वादे किए गए थे किसी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज जब कल प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवाद पर चर्चा कर रहे थे, उसी समय महाराष्ट्र में 15 हमारे जवान शहीद हो गए। ये कहते हैं कि मजबूत सरकार चाहिए। ये मजबूत ऐसी सरकार है जिसने सच मार दिया। शायद लोकतंत्र में अगर कोई ऐसी सरकार बने जो सच को ख़त्म कर दे, शायद वो सबसे बड़ा नुकसान जनता का होगा उससे। इसलिए हम चाहते हैं कि देश में एक नई सरकार बने, नए प्रधानमंत्री बने, वही देश को आगे ले जा सकते हैं। अखिलेश जी, ये 6 महीने 1 साल के बीच में आपका आवाज़ जो है एक बहुत सेन रैशनल आवाज़ विपक्ष से सामने आ गया। जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में आपने साठगांठ के साथ जो लोगों के सामने रखा, वो सारे देश में क्यों नहीं हुआ इस तरह का गठबंधन? लोग हमेशा ये चर्चा करते थे, कई बार पॉलिटिकल लोगों से मैं मिला हूँ और कई जर्नलिस्ट इस बात को कहते थे कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोका जाएगा तभी देश में रुकेंगे। और इधर क्योंकि बाई इलेक्शंस थे उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश की सरकार बनी उसने बहुत अन्याय किया लोगों के साथ, झूठे मुकदमे लगाए और जितना भी विकास कार्य उत्तर प्रदेश में हो रहा था वो सब रोक दिया। इसलिए ज़रूरी हुआ कि उत्तर प्रदेश से कोई गठबंधन हो और उसकी शुरुआत की। मुझे खुशी है इस बात की कि आदरणीय मायावती जी ने उसका समर्थन किया, उनका सहयोग मिला और परिणाम देख लीजिए आप कि जब 3 बाई इलेक्शन लोकसभा के हुए थे जिसमें वो मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे और कैराना जैसी जगह जहां पर सबसे ज़्यादा समाज के अंदर लोगों के बीच में नफरत और एक दूसरे में दूरी बनाई गई थी, वहाँ जीत गठबंधन की हुई। तो जब बाई इलेक्शन में गठबंधन की जीत हो गई तो कोशिश की कि यही गठबंधन अगर उत्तर प्रदेश में बन जाए तो एक बड़ा फैसला होगा, बीजेपी को रोकने में कामयाब होंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश में हमने ये गठबंधन बनाया और मैंने यहाँ तक कहा था एक समय पर कि अगर मुझे 2 कदम भी पीछे जाना पड़ेगा तो मैं गठबंधन बनाऊँगा। और उसका परिणाम ये है कि आज बसपा, सपा और आरएलडी तीनों दल एक साथ खड़े होकर के बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का हार होगा वो देश में वही आपको सरकार के, क्योंकि अगर हम आज देखें अगर उनकी सरकार दिल्ली में है तो वो यूपी की वजह से है। सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद जीते थे यहाँ से। अगर आज भी हम आधा कर दें तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती, और अगर यूपी में रोक लिया तो मैं समझता हूँ देश में उनकी सरकार रुक जाएगी। कांग्रेस के गठबंधन में क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी शुरुआती तौर में मैं समझता हूँ बहुजन समाज पार्टी से बात कर रहे थे, सपा से भी बातचीत हुई, लेकिन जिस तरीके से व्यवहार उनका मध्य प्रदेश में था और जिसके बाद उनका व्यवहार और बदल गया जब उनकी 3 सरकारें बन गई। 3 सरकारें बनने के बाद उन्होंने न सपा को पूछा न बसपा को पूछा, तो जब हमें कोई पूछ ही नहीं रहा था तो जिनको नहीं पूछा जा रहा था वो दोनों दल मिल गए और उसी का परिणाम यह है कि आज सबसे ज़्यादा जनता में और आम लोगों में और खासकर जमीन पर इसी गठबंधन को जनता पूछ रही है। बनारस के चुनाव में तेज बहादुर यादव जो बीएसएफ के जवान हैं उनके प्रति लोगों का बहुत एक उत्साह और प्रेम हमने उभरता हुआ देखा है, फिर भी इलेक्शन कमीशन ने उनका नामांकन खारिज कर दिया, उसको लेकर समाजवादी पार्टी क्या करे? दुख है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें जो कागजी चीज़ें उसकी वजह से उनका निरस्त हो गया नॉमिनेशन। लेकिन सवाल कागजी चीज़ों का नहीं था, सवाल था देश के मुद्दों का। अगर एक जवान, एक सिपाही किसी बात को लेकर के सरकार से कहना चाहता है तो सोचो उसकी हालत ये हो जाती है। क्या वो दाल के लिए और रोटी के लिए अपनी बात कह रहा था? वो केवल अपनी बात नहीं कह रहा था, उसके साथ न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो जोखिम भरी जिंदगी जी रहे हैं और सीमा पर खड़े होकर के देश की रक्षा कर रहे हैं। तो शायद सरकार को उसके सवालों का जवाब देना चाहिए था। अब आगे क्या कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है या उसी के सम्मान की या हमारे जितने जवान हैं उनके सम्मान की कैसे लड़ाई आगे लड़ें, उस पर हम विचार करेंगे, पार्टी के लोगों से राय बनाएंगे,
क्या हो सकता है, कानूनी लड़ाई अपनी जगह है लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी वो मैं विचार करूंगा अपने कार्यकर्ता नेताओं के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। आखिरी बात, नौजवानों के लिए एक संदेश। ये बड़ा सवाल आपने पूछा है नौजवानों के लिए, क्योंकि नौजवान अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहता है। इधर जो सरकारें बनी हैं उन्होंने निराश किया है। जब दुनिया के नौजवान अपने सपने देख सकते हैं और सपनों को मेहनत करके पूरा किया जा सकता है, तो हमारे देश के भी नौजवान अपने सपने पूरे करें। और सपने पूरे तभी होंगे जब देश में एक अच्छी सरकार बने जो उन्हें अपॉर्चुनिटी दे, मौका दे। और मौका खो गए हैं ये लोग, इन सरकारों ने उनको कुछ मौके नहीं दिए हैं। शायद नई सरकार कोई बने तो उनके जीवन में बदलाव आएगा। हम चाहते हैं कि जिस तरह दुनिया के नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं समाज को, देश को बनाने के लिए, हमारा भी नौजवान देश को बनाने में अपना योगदान दे। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।